नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दैनिक जागरण में आया अभिव्यक्ति आपका मुद्दा में, पांच प्रण जिताएंगे रण के ऊपर, हर तरह के सुधार से ही बने की बात के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। 75 सालों में भारत ने आर्थिक एवं मानव विकास के लगभग सभी मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है, जो कि उल्लेखनीय प्रगति की है। आज पीपीपी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीपीपी क्या है। तो पीपीपी होता है परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जानते हैं सबसे पहले पीपीपी क्या है, यानी परचेजिंग पावर पेरिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रय शक्ति समता, यह क्या है? तो दोस्तों, क्रय शक्ति समता जो है कि वो इन्हीं दो देशों के मध्य रहन सहन के खर्च की तुलना के लिए यूज होता है। यानी कि अगर हम माने कि यदि भारतीय रुपए की विदेशी मुद्रा, अगर माने आपके उदाहरण के तौर पर अमेरिकी डॉलर से तुलना करी जा रही है, तो हमें पता है कि 1 डॉलर की कीमत अगर वर्तमान में देखी जाए तो 80 रुपए के लगभग बराबर है, 79 के पॉइंट में है, यानी कि 80 रुपए के बराबर है क्या? तो अब ये बोल सकते हैं, अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर 80 रुपए में सामान, जो एक वस्तु आ रही है, वह वस्तु 1 डॉलर में अमेरिका में आ जाएगी। यानी कि जो कि अगर हम देखें इस प्रकार से, यानी कि वो 1 डॉलर में हमारी वस्तु हो कि वही वस्तु अमेरिका में आ जाएगी। तो इसी प्रकार जो विदेशी मुद्रा है दोस्तों, उसमें विनिमय दर बाजार से बहुत कारणों पर तो निर्भर करती है, परंतु जो कि इन दो देशों के मध्य रहने का खर्च होता है, यानी कि अर्थात जो अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों की गणना जो करनी हो, तब इस स्थिति में क्रय शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें हो सकता है विनिमय दर में कुछ और भी चीजों का अंतर पड़ता हो, टैक्स वगैरह या फिर किसी अन्य चीज का, पर वहां की टैक्स के हिसाब से, पर फिर भी यह एक क्रय शक्ति का इस्तेमाल हम करते हैं गणना के तौर पर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोस्तों, ये व्यवस्था केवल ऐसे उत्पादनों पर लागू होती है जिनका उत्पादन दोनों देशों में होता है होता हो, और दूसरे शब्दों में कहा जाए इसको दोस्तों, कि किए गए उत्पादन पर यह लागू नहीं होता, यानी कि आयात किए गए उत्पादन पर यह लागू नहीं होती है। चलिए ये यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर आगे की ओर। तो इसके आधार पर जो भारत है दोस्तों, वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा हालांकि हम पिछले 7.5 दशक की उपलब्धियों पर संतुष्ट कर नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि जो हमारे पिछले 7.5 दशक की उपलब्धियां, हम सिर्फ इसी पर संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते दोस्तों, क्योंकि हमने 7.5 दशक में जो किया है, हमें उससे और आगे जाना है और अभी हमें और भी उपलब्धियां हासिल करनी है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 5 प्रण का आह्वान भी किया है दोस्तों। उन 5 प्रण के बारे में हम जानने वाले हैं कि जो 5 प्रण हैं हमारे, वो क्या है। यानी कि एक तो हमारा देश, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रगति करना है, जो बौद्धिक स्तर में सुधार करना है, वैश्विक स्तर पर हमें आगे बढ़ना है, एक साथ एकजुटता में जाना है, और जो हमारा यह है कचरा प्रबंधन, स्वच्छता वगैरह को लेकर, इसमें भी हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कचरा का प्रबंधन वगैरह करना भी बहुत ही जरूरी है अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 प्रणों में जो पहला प्रण है वो यही है दोस्तों, कि विकसित राष्ट्र बनना, देश को आगे बढ़ाना और विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना, यह एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो दोस्तों जानते हैं कि विकसित राष्ट्र कहते किसे सबसे पहले, तो जो अभी वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, उसमें के आय के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांटता है, यानी कि वो देशों को 4 श्रेणियों के हिसाब से बांटता है कि विकसित राष्ट्र, इसके हिसाब से हम राष्ट्रों को, इन श्रेणियों के हिसाब से हम राष्ट्रों को वर्गीकृत करते हैं, जिनमें आता है, अगर हम नीचे से देखें, नीचे से देखने पर सबसे पहले आते हैं निम्न आय वाले देश, फिर निम्न मध्यम आय वाले, उच्च मध्यम आय वाले, और लास्ट में यानी चौथे नंबर पे आता है जो उच्च आय वाले। अगर ऊपर से देखें तो उच्च आय वाले देश पहले नंबर पे आते हैं। तो 2277.4 डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत अभी निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी है, यानी कि 2277.4 डॉलर प्रति व्यक्ति की आय से, प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की, प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ, यहाँ पर डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत अभी निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी है। और विकसित श्रेणी में आने के लिए भारत को कहाँ पहुंचना है, 12,000 डॉलर पर लाना होगा, यानी कि हमें 12,000 डॉलर पर आना होगा 2277.4 से उठकर। अब दोस्तों, इस आय के ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये आय वाले देश और क्या है विकसित होने के मायने। तो जो होते हैं मायने, वह यह है कि विकासशील या विकसित को लेकर वैश्विक स्तर पर तो कोई तय
तय परिभाषा नहीं है कि इसकी परिभाषा यही होगी, पर इसको हम आय के स्तर पर और जो उसका वहाँ की बेसिक फैसिलिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे लेकर हम मापते हैं कि किस प्रकार से हो सकते हैं। तो हालांकि अलग अलग मानकों पर किसी देश की स्थिति उसे विकासशील या विकसित श्रेणी के में रखने का आधार बनती है। मुख्यतः विकसित देश में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन की उन्नत व्यवस्था होती है, जनता समृद्ध होती है। अब यह होती है विशेषताएं, एक विकसित देश की विशेषताएं कुछ इस प्रकार होती है कि ऊंची जीडीपी होती है और ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होती है। मानव विकास सूचकांक में अच्छी स्थिति होती है, यानी कि मानव विकास सूचकांक है यानी वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी एक अच्छी सूची होती है ग्रोथ करती हुई। और अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो इंडस्ट्री है उससे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर का योगदान होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो इंडस्ट्री है उससे ज्यादा हमारा सर्विस सेक्टर जो रहता है उसका योगदान होता है। और जो विकासशील देश होते हैं दोस्तों उनमें होता है इंडस्ट्री का ज्यादा योगदान होता है, और विकसित में होता है सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा। और उसके अलावा उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था होती है, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, रोड वगैरह, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं। और बढ़ते हैं आगे, गौरवगान का तेज सुर, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं क्या है ये। पिछले 7.5 दशक में देश लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है, यानी कि हमारा देश भी लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है। हम 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन से हम थोड़ा ही पीछे हैं, और 2050 तक हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मार्ग पर चल रहे हैं। और अधिक आबादी के चलते, हाँ यह हमारे यहाँ दोस्तों की यह बात, अधिक आबादी के चलते हम इस मार्ग में थोड़ा स्लो हैं और पीछे चल रहे हैं, पर हम भी कोशिश कर रहे हैं और एक दिन हम इनमें आगे बढ़ेंगे। कि अधिक आबादी के चलते जो प्रति व्यक्ति आय के मामले पर हम ऊपर आना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। अब प्रति व्यक्ति आय से श्रेणी का निर्धारण कैसे होता है यह देख लेते हैं दोस्तों, कि जो हमारी श्रेणियां हैं उच्च मध्यम और निम्न निम्न वगैरह की श्रेणियां हैं वो कैसे निर्धारण होती है। जो 1085 डॉलर है, यानी कि 1085 डॉलर से कम आय वाले होने पर निम्न आय वाला देश होगा, यानी कि 1085 डॉलर से अगर आपकी आय कम है तो आप निम्न आय वाले देश है। 2100 डॉलर से अगर आपकी आय है, 2100 डॉलर आय के साथ जो है दोस्तों वो भारत निम्न मध्यम श्रेणी में है। और भारत यानी कि जो हमारा देश है वह कहाँ पर आता है, जो अगर हम नीचे से देखा जाए तो नीचे से हम दूसरे स्थान पर आते हैं, ऊपर से तीसरे स्थान पर आते हैं। और इस प्रकार जो भारत है वो 2100 डॉलर की आय रखता है। और उसके अलावा जो 1086 है उससे 4255, 1086 से लेकर 4255 डॉलर की आय वाले देश निम्न मध्यम आय वाले देश कहलाते हैं। 4256 से 13205 वाले देश उच्च मध्यम आय वाले देश कहलाते हैं, और 13255 वाले देश अधिक आय वाले देश कहलाते हैं। और हमें पहुंचना कहाँ है, 13205 पर पहुंचना है, यानी कि 2100 डॉलर से उठकर हमें यहाँ पर पहुंचना है। तो देखा हमने किस प्रकार से इन आय श्रेणी श्रेणीगत आय का निर्धारण होता है, किस प्रकार से कौन सा देश किस श्रेणी में आएगा। उसके अलावा बढ़ते हैं फिर से हमारे इस टॉपिक पर, और यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को लगातार तेज आर्थिक विकास का आवश्यकता होगी। उच्च आर्थिक विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग में निवेश चाहिए, यानी कि जो हमारा उच्च आर्थिक विकास है उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को एक ग्रोथ देनी पड़ेगी ताकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए और रोजगार बढ़ेंगे, तभी हम विकासशील से विकसित बनेंगे। क्योंकि विकासशील में होता है इंडस्ट्री सबसे ज्यादा होगी, तभी हमारा सर्विस सेक्टर जो ग्रो तो कर रहा है पर हम सीधा जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र से हम उससे सीधा तृतीय क्षेत्र में कूद रहे हैं, परंतु क्योंकि यह जो कि हमारा कृषि क्षेत्र है, यानी कि कृषि क्षेत्र से हम सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। और अगर हमें सही तौर पर अच्छे से विकसित होना है तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री का ग्रो करना भी बहुत जरूरी है, यानी कि अच्छी अच्छी इंडस्ट्री हमारे यहाँ होगी और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा तो हमारे यहाँ निवेश बढ़ेगा, उस निवेश से फिर हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में भी बहुत ही सुधार आएगा। इसलिए जो भारत सरकार ने लगभग सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब दोस्तों कुछ पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जुड़ा हुआ हम कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि यह भी एक मेंस यूपीएससी मेंस और किसी भी आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हो सकता है इससे जुड़े हुए अगर कुछ आ जाए तो आप इसके अलावा कुछ प्रमुख बिंदु इसके लिख सकें, तब कि आपका आंसर बहुत ही अच्छा दिखे और मार्क्स में आपको इम्प्रूवमेंट हो उसकी वजह से।
पीएलआई जो होता है दोस्तों, जो पीएलआई है यानी कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई, ये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और इसमें जो प्रमुख बिंदु होंगे इसके यह हो सकते हैं कि पीएलआई जो एक दोस्तों आउटपुट ओरिएंटेड यानी कि आगत उन्मुख योजना है, जिसमें दोस्तों जो निर्माता है या उत्पादक यदि किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे केवल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा यानी इंसेंटिव का भुगतान किया जाएगा अगर वह किसी सामान सामान को उत्पादन करता है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों जो 5 से 7 वर्ष है उसके लिए नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी 5 से 7 वर्षों के लिए नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसमें सभी उभरते हुए यानी सनराइज महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाना प्रस्तावित, यानी उभरते हुए क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था में, उनको इसके तहत शामिल किया जाएगा, जिसमें हो सकता है विनिर्माण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल नेटवर्किंग, सोलर नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पावर सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है ये जानते हैं, क्योंकि सनराइज सेक्टर जो उभरते हुए क्षेत्र हैं लेकिन उन्हें प्रारंभिक चरण में सहायता समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि प्रारंभिक चरण में उनके पास बड़े बड़े निवेश नहीं होते हैं, इसलिए उनको उभरने के लिए किसी की सहायता की जरूरत होती है ताकि वह अपने उत्पादन में गुणवत्ता ला सके और उसका अच्छे से उत्पादन करके जनता तक उसकी पहुंच बना सके। और उसके अलावा जो पीएलआई योजना के तहत दोस्तों निर्यात आधार है को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट को भी विकसित करने की जरूरत है। और उसके अलावा जो भारत को है दोस्तों वो एक विनिर्माण केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा मोबाइल फोन के लिए पीएलआई योजना शुरू की गई, जिसका विस्तार फार्मा उत्पादों और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र तक किया गया है। बड़े स्तर पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना में कुछ इसमें महत्वपूर्ण ये किए गए दोस्तों, उसी के आधार पर इसमें अलग अलग क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी तो यही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। इसके एक प्रमुख बिंदु यह हो सकता है दोस्तों कि इसमें जो देश में लगभग मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले 4 वर्षों में लगभग 8 गुना तक बढ़ा है, और इस उद्योग से यानी कि इस योजना से जो मोबाइल फोन उद्योग है वह अपने यहाँ पर बढ़ा है भारत में, और जो उद्योग से प्राप्त आई है 2014-15 में 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गए, यानी कि हमें इसमें बहुत अच्छा निवेश और बहुत अच्छा आय है वो मिली है इसमें। तो इस प्रकार से जो 2025 तक जो दोस्तों पीएलआई योजना है उसके तहत मोबाइल फोन के लिए घरेलू मूल्य वृद्धि 20 से 25% के मौजूदा स्तर से बढ़कर 35 से 40% तक हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से 8 लाख अतिरिक्त नौकरियों के लिए अवसर पैदा होंगे। इसलिए और यह योजना है दोस्तों, इसमें केवल ललित लक्षित क्षेत्र है जो कि इसमें लक्ष्य बनाए गए हैं उन क्षेत्रों पर ही अभी फिलहाल घटकों पर ही लागू होगी, यानी जैसे मोबाइल फोन हुआ, निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इन पर भी लागू होगी। तो बढ़ते हैं आगे, और जो इस योजना इससे न केवल कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकेंगे, जैसा कि हम मोबाइल फोन में बढ़ रहे हैं आगे, और उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वाले हैं। सप्लाई चेन बाधित होने से चीन बहुत सा निवेश निकल रहा है, यानी सप्लाई चेन बाधित होने से चीन से बहुत सा निवेश निकलने लगा है, और ऐसे में अगर हमारी पीएलआई स्कीम ने भारत को निवेश के लिए अच्छे गंतव्य के रूप में भी सामने रखा है, यानी कि जो पीएलआई योजना है उससे लोग यहाँ पर निवेश करने के लिए भी आ रहे हैं, और इससे हमारे देश में निवेश और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रो आएगा, और हम हमारा जो विकसित राष्ट्र बनने का एक लक्ष्य, हम उसकी तरफ अग्रसर होंगे, जिसमें कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भी हम हमारे व्यापसी व्यापारिक समझौते उनको अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम आगे बढ़ भी रहे हैं। कारोबारी सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमने खुद को काफी बेहतर भी किया है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो कंपनियां हैं हम ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो उनके ऊपर, जो बड़े बड़े ब्रांड है इंडस्ट्रियल सेक्टर के उनमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, ताकि वो हम यहाँ पर आके बिना किसी प्रॉब्लम के अपने इकाइयां यहाँ पर खोल सके, यूनिट्स यहाँ पर खोल सके, और यहाँ पर मैन्युफैक्चर हमारे देश में ही करे और यहीं से दूसरे देश में भेजे, तो यहीं से दूसरे देश में बेचे तो हमें भी फायदा उससे होगा। और वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी भारत की 2014 में वो 142 थी, जबकि 2020 में वही रैंकिंग हमारी आई है 63वीं रैंकिंग, यानी हमने बहुत इम्प्रूव किया है उसके बाद। लेकिन जो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये है, यानी कि अनुबंधों के प्रवर्तन में, मामलों के निपटारों में जो कि इस समस्याओं में आते हैं उनमें अगर हम हमारी रैंकिंग अभी भी बहुत कम है, जो कि 163वीं रैंकिंग है।
अगर ऐसे मामलों में अगर हमारी न्यायपालिका अच्छी खासी का भूमिका देखने को मिलती भी है, परंतु किसी निवेशक के लिए यह मानक बहुत अहम है। इससे उसे यह समझने में मदद मिलती है कि किसी कारोबारी विवाद की स्थिति में कितना समय खर्च आ सकता है, क्योंकि अगर कोई कारोबारी विवाद आ गया तो उसका खर्च ज्यादा समय आएगा और खर्च इससे उसका खर्च वहां पर भी बढ़ेगा और समय भी व्यर्थ जाएगा। और इस मानक पर हमारी स्थिति तत्काल न्यायिक सुधार की जरूरत दर्शाती है, यानी कि हम इसमें बहुत कम है और इसमें हमें बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। और इसी तरह श्रम एवं पूंजी बाजार में भी सुधार की बहुत महत्वपूर्ण है, यानी श्रम जो बाजार है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्रम बहुत है हमारे पास परंतु स्किल बहुत कम है, और इसीलिए हमें स्किल्ड श्रम या स्किल्ड लेबर की जरूरत है। भारत में हर सुधार को संधि की दृष्टि से देखा जाता है, बात चाहे कृषि सुधारों की हो या अन्य सुधारों की, श्रम सुधारों की, न्यायिक सुधारों की, स्थिति सब जगह समान है, यानी हर एक सुधार में संदेह किया जाता है। सुधार हमेशा यथास्थिति को चुनौती देते हैं, यानी सुधार ये हमेशा होता है। एक सुधार जो यथास्थिति उसको चुनौती देंगे, हो सकता है उनमें कुछ समस्या भी आ सकती है, पर हमें कदम बढ़ाना और उसकी वजह से जो उनमें संदेह होते हैं उसकी वजह से हमें उनकी तरफ कदम बढ़ाना भी मुश्किल होता है, इसीलिए इसे हमें कम करना होगा। और जो हमारी मानसिकता है तो कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा और उन चुनौतियों से पार भी पाना होगा। कई सरकारों में वह राजनीतिक इच्छाशक्ति भी नहीं होती है कि हम उन सुधारों की तरफ आगे बढ़े, परंतु जो सरकार हिम्मत करती है उसका विरोध भी सामना करना पड़ता है बहुत। इस मानसिकता से उभरते हुए सभी लोगों को सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा जिससे देश के विकसित बनाया जा सके, यानी देश को विकसित बनाने के लिए हमें सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। एक और बात, विकास का अर्थ मात्र प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना ही नहीं है, यानी कि एक प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना ही इसका अर्थ नहीं होता है, तक कि हम विकास उसी को कहते हैं। विकास दोस्तों यह होता है कि बल्कि सामाजिक और मानव विकास भी इसके घटक है, यानी सामाजिक विकास भी जरूरत है और मानव का विकास भी इसके महत्वपूर्ण घटक है। पिछले 8 साल में स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान भी एक अच्छे नतीजे हैं हमारे आगे बढ़ने के, और अगले 25 साल में हमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय निवेश की आवश्यकता होगी, यानी कि इस क्षेत्र में हमें सबसे ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, ताकि हम इसमें स्वास्थ्य अच्छा होगा और शिक्षा अच्छी होगी तो हमारा मानव जो मानव संसाधन है वो ग्रो करेगा, उसमें उसमें हम निवेश करेंगे तो वो वह ही आगे जाकर हमारे देश को आगे बढ़ाएगा और प्रगति में सहायता करेगा, इसलिए हमें इसमें विशेष रूप से निवेश की जरूरत है। भारत को श्रम क्षेत्र में कौशल की कमी को दूर करने पर भी फोकस करना होगा, यानी कि जो कौशल की कमी आ रही है हमारे श्रम क्षेत्र में, टेक्निक्स और स्किल वगैरह की, उस पर भी हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। विरासत पर गर्व करना भी एक अहम प्रण है, यानी कि यह भी एक अहम प्रण है विरासत पर गर्व करना, ताकि हम जो हमारी विरासत है उसको एक गर्व करते हुए और जो हमारी इतिहास रहा है उसको नजरिए में रखकर कि हम कहाँ पर थे और कहाँ पर आज पहुंचे हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें आगे बढ़ना होगा। और जो हमारी पूर्व की स्थिति थी 1700 के लगभग, जो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे अंग्रेजों से पहले, वहां पर हमें पहुंचना होगा, इसलिए सरकार ने इस पर भी जोर दिया है। और भारतीयों को अपनी भारतीय पहचान पर गर्व होना चाहिए, जिस प्रकार अमेरिकी अपनी पहचान पर गर्व करता है, इसराइली अपनी पहचान पर गर्व करता है कि मैं इसराइली हूँ, और जो ब्रिटेन का निवासी है अंग्रेज जिन्होंने हमें लूटा है खासा, वो अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, इसी प्रकार हमें भी अपनी पहचान पर गर्व करना होगा ताकि हमारा जो विरासत है हम उस पर गर्व कर सके और आगे बढ़ सके। और इसी तरीके से हमें हम आगे और विकसित हो सकते हैं, और जो एकजुटता भी इसके लिए बहुत जरूरी है, और जो गुलामी की मानसिकता से बाहर आने का प्रण भी एक विकास के लिए आवश्यक है, यानी यह प्रण भी एक बहुत ही आवश्यक है, गुलामी की मानसिकता से बाहर आना यह प्रण खासा और महत्वपूर्ण है सबके लिए। तो जो विकास हमें पश्चिम का अंधानुकरण भी रोकना होगा, कि पश्चिम के अंधानुकरण यानी पश्चिम जो कर रहा है हम उसके दिखाते नहीं कर सकते हैं, भारत को अपनी राह खुद बनानी होगी, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हमें भारतीयों की समृद्धि के लिए गए फैसलों पर पश्चिम की मोहर का इंतजार नहीं करना चाहिए, एकता और एकजुटता इसकी विकास की राह में एक ऐसा प्रण है, यानी एकता और एकजुटता भी हमें यह प्रण लेना होगा कि हम एक रहें और एकजुट रहें ताकि हम अच्छे से विकास की राह में आगे अग्रसर हो सकें। अभी तरह के सभी तरह के भेदभाव को भुलाना होगा, सबके साथ आने से ही देश का आगे बढ़ सकता है। अगले 25 साल सभी तरह के भेदभाव भुलाकर सबके साथ आने से ही देश आगे बढ़ सकता है। इसको लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी एक बात कही थी कि जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था यानी कि हमारे देश की खराब हालत है और जो
उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि भेदभाव बहुत होता है जातियों को लेकर, जातियों को लेकर भेदभाव होता है। और इन्हीं इसी को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर जो दलित व्यक्ति है या फिर जिनको भी लोग निम्न जाति के मानते हैं उनको लेकर बाबा साहेब ने कहा था कि तुम शहरों की तरफ चलो, यानी कि शहरों की तरफ चलो ताकि शहरों में दोस्तों एक वैसा माहौल देते हैं कि वो अपना विकास कर सकते हैं, और उस विकास क्योंकि शहरों में एक दूसरे को लोग कम जानते हैं, जाति से कम जानते हैं, भेदभाव कम होता है, इसलिए उन्हें बराबर अवसर मिलते हैं और तभी वह अपना विकास कर पाएंगे, और उनका विकास होगा तो देश का विकास भी अवश्य होगा। इसलिए जो भेदभाव है उसको भुलाना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा बिल्कुल, तभी यह देश प्रगति कर सकता है, वरना हम सिर्फ ऐसे ही सपने देखते रहेंगे। इसीलिए चुनौतियां बहुत है लेकिन भारत उनसे पार पाने में भी सक्षम है। इसी प्रकार इसके कुछ और कारण भी है, इन कारणों को देखते हैं कि भारत को कदम किन कारणों से अभी तक भी रुके हुए, इनमें गुलामी का दंश है और आजादी के बाद की चूक है। जानते हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। पिछले 75 साल में भारत ने कई उपलब्धियां प्राप्त की है, हालांकि कई कारक हमारे विकसित होने में भी बाधा बने रहे, और उनमें है गुलामी का दंश जो 2 सदी से ज्यादा का ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर रहा है, 200 सालों का, वो सबसे ज्यादा चुभने वाला रहा है। यानी कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि जो 1700 में भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान था वह 24.24.4% था, जबकि 1950 में आते 1950 तक वह सिर्फ 4.2 रहा है। और इसी इन्हीं बातों पर हमारे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने भी अपनी ड्रेन थ्योरी जो दी थी उसमें भी इन बातों को उल्लेख कर रखा था, किस प्रकार ब्रिटेन के लोग है, ब्रिटेन की सरकार है, वो भारत का शोषण कर रही है और आर्थिक रूप से वो भारत से सारा संसाधनों को लूट रही है, और यहाँ से सीधे हमने ब्रिटेन में ट्रांसफर कर दी, और वही पैसा फिर वहां से निवेश के रूप में भारत में लाती है, और भारत का ही पैसा भारत में निवेश करके फिर से जो उससे कमाई होती है उसको वापिस लेके चले जाती है। और इस प्रकार यानी कि भारत को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, और वह अपना जो फायदा कर रहे हैं उससे ही हमारा यहाँ पर जो 24% से 4% पर पहुंच गए थे 1950 तक आते आते। और जो बहुत से जानकार कहते हैं कि रेल या अन्य सुविधाएं जिन्हें भारत के विकास में ब्रिटिश शासन का योगदान कहा जाता है, असल में इनसे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को भारत को लूटने में ही मदद मिली। यह बात भी सत्य है कि ब्रिटेन ने यह सिर्फ अपने ही खुद के लिए बनाए थे ताकि वह सामान माल सारी चीजों को यहाँ से वहां तुरंत ले जा सके, और जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सामान को ले जा सके ताकि इस सामान को खर्चा इससे कम आए और उनको फायदा हो, इससे वह इससे अपना शासन वगैरह चला सके यहाँ पर, और ने जो भत्ते वगैरह देते हैं यहाँ पर ये अपने सरकारी चीजों को वो दे सके। मेन बात उनका उद्देश्य यही था दोस्तों कि भारत को कैसे ही लूट लिया जाए और उसके सारे संसाधनों को खत्म करके सारा ब्रिटेन में ले जाया जा सके। इसीलिए वहां पर दोस्तों क्योंकि जब वो उनके इतने उपनिवेश थे उसकी वजह से वो जगह जगह से पैसा लूट लूट कर ब्रिटेन में लाए, इसी वजह से दोस्तों वहां पर इतना प्रगति हो पाई, क्योंकि उनके पास पैसा था इसलिए जो संसाधन थे उसकी कमी नहीं हुई, जो प्राकृतिक संसाधन भी जो भी वहां पर अवेलेबल थे उपलब्ध थे उनका भी उन्होंने यूज किया, और जो पैसा था वो लेके आए गए थे दूसरे देशों से, तो उसे वहां पर उन्होंने मशीनों वगैरह पर भी भारी निवेश किया। और जो आजादी के बाद की जो हुई उसमें भी एक महत्वपूर्ण इसका भारत को रोकने में एक भारत की कदम जो उसे रुके हुए थे उसमें भी बहुत उसका भी योगदान रहा है कि हमने आजादी के बाद कुछ चूक की है, उसके भी कारण हम देश में प्रगति कम हो तो पाई है दोस्तों, पर उसके कुछ कारण भी रहे कि हमारा देश समाजीकरण की इस पे चल रहा था और हम नए नए आजाद हुए थे, हमारे पास निवेश नहीं था इतना, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, वो भी कुछ कारण रहे हैं इसके लिए रहा है। पर अभी हमारा देश हम शिक्षित हो रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, और अब हम इतने सक्षम हो रहे हैं कि हाँ हम अब वो रफ्तार पकड़ सकते हैं कि अब हम इन सबसे आगे निकलेंगे। और इसमें जो 1947 में जो अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें नए देश का निर्माण करना था, नई सरकारों ने की अपेक्षा बहुत थी कि नई सरकारों से अपेक्षा तो बहुत थी, पर तो भ्रष्टाचार का गुण, यानी कि जो अंग्रेज छोड़ के तो चले गए पर हमारे यहाँ जो छोटे अंग्रेज छोड़ के चले गए उनके उनकी वजह से हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, यानी कि पैसों के भूखे व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार की वजह से पूरे हमारे सरकारी तंत्र में
एक दीमक की तरह चिपक गई और वो दीमक आज भी लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी को अपनाने में हम पीछे रह गए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसकी वजह से बढ़ती जनसंख्या, अब टेक्नोलॉजी तो हमने नहीं अपनाई, इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन सही से नहीं हो पाया, हुआ तो है परंतु जो एक दूसरे देशों में जिस प्रकार से प्रगति की है उसमें, उस क्षेत्र में वैसा हमारे यहाँ नहीं हो पाया। और उसकी वजह से और ऊपर से बढ़ती जनसंख्या तो यह एक विकराल समस्या का रूप धारण कर गई। बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, यानी कि 50% आबादी तो अभी भी हमारी कृषि कृषि पर निर्भर करती है, यानी कि जो रोजगार उपलब्धता है उसमें कृषि तो 50% करती है, परंतु तो अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसमें सिर्फ बहुत ही कम योगदान देती है। यानी कि जो आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, परंतु तो अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का योगदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, और इंडस्ट्री और सर्विस का भी इस पर अपेक्षा है वो उसके हिसाब से अभी तक नहीं रहा है, इसलिए यह कुछ कारण है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो कि किस प्रकार से हमारी समस्याएं जो आ रही है हमारे देश में, और किस प्रकार से हमें एक-एक करके इन समस्याओं से पार पड़ना है, देश को विकसित बनाना है, मानव संसाधन को विकसित बनाना है, जो हमारा वैश्विक स्तर पर हमें निवेश को आकर्षित करना है, एक साथ एकजुटता में रहना है, और जो हमारा कचरा है, प्रबंधन है, या और हमारी योजनाएं, अन्य योजनाएं, स्वच्छ भारत वगैरह, उनको लेकर भी हमें अग्रसर रहना है। और हमारे जो गौरव है, देश का गौरव है, प्राचीन इतिहास है, उस पर गौरव करते हुए, उसको अमल ध्यान में रखते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। इस प्रकार ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।